मेरा नाम जी मुश्ताक अहमद, तखलस मेरा अलवी है। मैं मुश्ताक अलवी के नाम से मशहूर होया। मेरा इब्तदाई गाँव जोड़ा है पैदा सी टकी अवाणा की तहसील वजीराबाद में। परों की चीमे द मैं स्टूडेंट हाँ, उत्थे मैं पढ़िया। मैट्रिक मेरी तालीम है। सन 1965 दे विच मैं इत्थे गुजरांवाले आ गया और इत्थे आके मेहनत मजदूरी करता रहा। मजदूरी करद्या करद्या मैनू शौक पिया, मैं लाहौर गया तो मैं शहरी नूं अपना लिया। बड़े धक्के ठेडे खादे लेकिन कितने कोई चांस ना मिलिया। दो साल मैं स्टूडियो दे चक्कर ही लगांदा रहा। अखीर मैनू मौसीकार मुश्ताक अली मिलिया, उन्हें मेरी रहनुमाई की। तो पहला गाना मैं लिखा जिहड़ा सन 1969 दे विच फिल्म छड़ बुरे दी यारी विच आया। उहदे बोल सी इह ते मन्निया कि असी बदनाम हाँ, वह इशरत चौरी ते पिक्चराइज होया। तसब्बर खानम ने गाया, मौसीकार मुश्ताक अली उहदा नगमे नगार मैं सां, ए रियाज साहब उहदे डायरैक्टर सी। अच्छा, मुआवजा उस वक्त मुआवजा जी सिर्फ 101 रुपया मैनू, जिहनूं कोत्तर सौ पंजाबी च कहा जांदा है, वह दिता गया सी। उस तो बाद आस्ता आस्ता मैं इहनूं अपनाया इस काम नूं। तो फिर मैनूं जरूरत पई कि कोई उस्ताद होना चाहिए, तो मैं तनवीर नकवी साहब और शागिर्द हो गया। मुख्तलिफ शायरां ने मैनूं दरकार दिता, उन्होंने शागिर्द पाना गुआरा ना किया। मुख्तलिफ किस्म दियां गल्लां कीतियां, उन्हां दे विच वारस लुधियानवी साहब शामिल ने, हसीन कादरी साहब ने, अहमद राई साहब ने, लेकिन किसी ने मैनू शागिर्द ना पाया। लेकिन मैं तनवीर नकवी साहब का जो शागिर्द पै गया तो उन्होंने रहनुमाई च उन्हां दे लिखे हुए गीत जिहड़े उहदे मैं हैंड राइटिंग जिहड़ी वह मैं करदा हुंदा सी। अलहमदुलिल्लाह मेरी लिखाई बहुत अच्छी सी। मैडम नूर जहां दे काफ़ी गीत जिहड़े ने मेरे राही लिखे गए जिहड़े ने पिक्चराइज होए, जिहदे विच जदों हौली जिही लैना मेरा नाँ, गंदलां दा साग ते मक्खण मकई, ये मेरे उस्ताद होरां दी तखलीक है जिन्हां दी हैंड राइटिंग मैं करदा हुंदा सां। दो साल मैं तनवीर नकवी साहब होरां नाल शागिर्दी कीती, फिर वो अल्लाह नूं प्यारे हो गए, मैं फिर बेयारो मददगार हो गया। लोग कहन लग पे कि जी ये उस्ताद नाल ही काम कर सकता है, ये कल्ला नहीं कर सकता। उस तो बाद अलहमदुलिल्लाह मैनूं एक चांस मिलिया जिदे विच मैं गाना लिखिया अखियां बदीद हो गई। जदों गाना रिलीज़ होया जित करून की फिल्म दे विच, मुमताज़ ते पिक्चराइज होया, सुल्तान राई साहब उहदे विच सां, वो गाने ने धूमा पातियां। इस तरह फिर मेरा मतलब तारफ होया, फिर लोग मैनू लभदे रहे। चूँकि मैं मजदूर सां, गुजरांवाले काम करदा सां, कदी आ जांदा सां चानस मिल जांदा सी, कदी मैं जांदा सां तां मैनू चानस नहीं सी मिलदा। इस तरह करद्या करद्या काफ़ी वक्त गुजरता गया। मेरे गाने लिखे हुए मुमताज बेगम, आसिया आसिया नाजली राणी और मेरा मतलब होर जिहड़ियां वक्त दियाँ उस वक्त दियाँ हीरोइना सी तकरीबन सारिया दे उत्ते, नीलो बेगम ते भी पिक्चराइज होए ने मेरे गाने। नामवर गुलूकारा दे उत्ते और नामवर आर्टिस्ट जिहड़े सन वो सुल्तान राई साहब शामिल ने, इकबाल हसन शामिल ने, नदीम साहब होर ने, तीस मार खां उन्हां दी फिल्म सी वो। इस तरह नामवर सितारियां दे नाल भी मेरे गाने जिहड़े ने पिक्चराइज होए गए ने। नीलो बेगम दे उत्ते गाना मेरा सी फिल्म गरीब दे बाल च गुजरियां गल्लां दे याद करवाउंदा है।
और इस तरह इस तरह करद्या करद्या वो नीलो बेगम तो बाद उन्होंने बेटे शान नाल मैं काफ़ी तोहफा प्यार दा और होर भी दो तीन फिल्मां जिहड़ियां ने मैं शान होरानियां कीतियां ने। मुस्तफा कुरैशी की फिल्म बक्का राठ दे विच दो डंडियां एक टिक्का मैं मर गई झज्जर मारे छाला बहुत सुपर हिट हुआ था। इस वास्ते मेरा उन्हें पहचान कराई गई और लोगों को पता लग गया कि मुश्ताक अलवी भी कोई शहर है। इस वास्ते मैनू आन गुजरांवालों भी आ के लोग ला जाते होंगे सी। माशाला जिन्हें जिन्हें फिल्मों च मेरे गीत ने सारिया नामवर ने जिदे भाभी दियाँ चूड़िया टैगर जित कानून दी जिन चाचा हाँ जी बक्का राठ और गरीब दा बाल बंदे दा पुत्र इस तरह काफ़ी फिल्मां ने जिन्हां दा नाम है। देखो जी ये जिहड़ी जे शहर दी जिहड़े शहरी हुंदी है उहदी औलाद हुंदी है उहनूं उह सारे चंगे हुंदे ने चाहे वह हिट होवे या ना लेकिन उहदा प्यार ही हुंदा उहदी औलाद ही हुंदी। मैं जिहड़े गीत लिखे अलहमदुलिल्लाह अखियां बदीद हो गईआं मुंडा चुम्मदा बलौरी बंगा अखियां नहीं बदनाम ना करना और होर भी मेरे काफ़ी दो डंडियां एक टिक्का मैं मर गई काफ़ी गाने सुपर हिट होए लेकिन इतने अलमिया ये वे कि गैर मौजूदगी बंदा ना हो जिदा मर्जी ना दिता गया कई मेरे गाण के उत्ते दूसरे शहरों के भी ना आ गए। मसलन ऐ भी मेरी एक सताई थी मैं आप मजाजा वाली तेरे नाल अख लड़ गई वह भी मेरे नाँ ते नहीं है। इस तरह कई फिल्मों के गीत है जेडे मेरी गैर मौजूदगी दे विच मेरे नाँ तो शाया नहीं होए। इस वास्ते थंटक उन्होंने नहीं कहा जाता लोग इतराज कर लेंगे ने कि जी वो जी उन्हों का तो ना नहीं है गाना नहीं उन्होंने इसलिए मैं इस बहस नहीं जाना चाहता। इसी कारण मेरे सारे मशहूर ने मुश्ताक अली साहब बहुत अच्छे ने जिन्होंने मैं चांस भी दिता सी जुल्फकार अत्रे बहुत मशहूर ने जिन्हें बड़े ना ने वजात अत्रे के बहुत ना ने कमाल साहब सन उन्होंने मोइन बोबी साहब सन इस तरह अलताफ मुबारक अशफाक अली इस तरह सारे मौसीकार जड़े ने नामवर ने जिन्हों मैं काम किया है। हदायतकार मेरे ने यह रहा सब तो पहले डायरैक्टर ने जेडे छड बुरे की यारी जिन्हें चानस मैनू मिलया वो सब तो पहले मेरे डायरैक्टर ने उस तो बाद इकबाल कश्मीरी ने अलताफ सैन ने हसन अस्करी ने अरशद मिर्जा साहब ने इस तरह जिन्हें नामवर हदायतकार ने पंजाबी दे सारयां दे नाल मैं काम किया है। तादाद तकरीबन इसलिए 80-90 गाने होणगे जिहड़े कि मेरे तादाद अंदाजन गिनती तो नहीं है ना उसले रखी दे सी क्योंकि घर के जिहड़े ने गुस्से होंदे सी भाई जिहड़े वो इस गल नूं अच्छा नहीं सी समझदे तो उन्होंने तो लका लका के लिखी दा सी ते वो रखी दा सी इसलिए तादाद दे जिहड़ी आ उहनूं ना सांभिया। इस वास्ते अंदाजा है कि 80-90 गाने जिहड़े ने वो मेरे रिलीज़ हो चुके हैं। एक दो फिल्मां जिन्हां च सारे गाने ने मेरे वरना मेरा इसलिए चानस मिस हुंदा रहा कि मैं इत्थे हुंदा सां तो इस वास्ते जदों चानस मिलना तो मैं ना होना जदों मैं जाना उदों चानस ना मिलना इसलिए हर फिल्म दे विच किसे च दो किसे च तीन किसे च एक गाना मेरा मुकम्मल दो तीन फिल्मां ने जिदे च सोना पुत्र चन पुत्र और तोहफा प्यार दा दिल दियां लगियां दो तीन फिल्मां ऐसियां ने आई लव यू लाहौर जिन्हां दे विच मेरे गाने मुकम्मल ने नहीं तो किसे च एक किसे च दो किसे च तीन ने इस तरह है। मैं सोंग राइटर तो स्टोरी राइटर मैं जदों कोशिश की तो पहली मैं फिल्म इंसाफ लिखी इंसाफ दे मैं डायलाग स्क्रिप्ट लिखिया वो फिल्म जिहड़ी मेरी रिलीज़ हो गई है लड़ाई फिल्म मेरी रिलीज़ हो गई है और उस तो बाद मेरी वैर लव मंगदा रिलीज़ हो गई है। इन्हां दे डायरैक्टर इंसाफ दा डायरैक्टर बाला सी बाला उन्हूं बिजली वाला कहा जाता है
और लड़ाई जी इकबाल भट्टी की सी वैर लो मंगदा मंजूर मुसाफर डायरैक्टर से वो मेरिया तीन फिल्मा रिलीज हो गई तीन चार फिल्मा सट के उत्ते जहाँ का मैं स्क्रिप्ट लिख रहा वा उन्होंने ना पुत्र मौले का और मेरा कालू बादशाह और चांद की कसम दो तीन वो उर्दू है। इस तरह मेरिया तीन चार फिल्मा जड़िया ने वो मैं लिख रहा वा इसलिए उसकी वजह जी इत एक तो साडा शहर गुजरांवाला इतने जोड़ा इन्हें ये फन इन्ना नहीं जानते गुजरांवाले के लोग इस वास्ते वो जनाबे अली दूसरा ये कि मैं इतने मेरा मतलब मेरा घर है गुजरांवाले इतने रहना वा इतने आके मैं कभी भी यहोजा गल्लां बातां जिहड़ियां ने ना फिल्मां फुल्मां दियां किसी ने शेयर नहीं करता क्योंकि वो मजोरिटी के बंदे नहीं हुंदे ते इस वास्ते मैं उन्हां नाल ये गल्लां नहीं करता। गुजरांवाले दे विच सलीम जुबैरी साहब ने माशाल्लाह स्टोरी राइटर बहुत अच्छे ने और इकबाल भट्टी डायरैक्टर ने गुजरांवाले दे विच होर भी मेरा मतलब शहजाद रफीक होरी ने काफ़ी लोग है फिल्म ना मुंसलिक चौधरी आरफ होरी इस्माइल होरी राक्सी वाले जड़े ने जुल्फकार बाबर होरी माशाल्लाह वड्डे नाँ ने उन्हां च कुछ प्रोड्यूसर ने ते कुछ मेरा मतलब डायरैक्टर राइटर इस तरह है सलीम जुबैरी साहब वाजिद जुबैरी साहब इतों के राइटर ने गुजरांवाला दे विच सिर्फ जी अमीन ख्याल साहब साहब बहुत अच्छे शायर अल्लाह नू प्यारे हो गए ने उन्होंने बेटे ने तनवीर ख्याल साहब लेकिन वो इन्ने नहीं है पॉपुलर नहीं हो सके। अमीन ख्याल साहब बहुत वड्डे शायर सन उन्होंने रहनुमाई भी करते रहे हैं लेकिन प्रॉपर मैं अपना उस्ताद जिहड़ा तनवीर नकवी साहब नू ही मानना वा। फिल्म इंडस्ट्री तो शिकायत कोई नहीं एक तो यह कि जो उहदा मुआवजा बहुत घट है हूँ आके कोई मर्जी दे नाल कोई गाने दा 2000 3000 कोई 4000 दे दिंदा जदों कि इहदा मुआवजा बहुत घट है मेहनत ज़्यादा है और घट है ते अल्लाह ताला कुछ लोग जिहड़े ने वो मेरा मतलब इन्नी संस नहीं रखते जिहड़े डायरैक्टर बन गए ने इस वास्ते फिल्म दा दिन ब दिन जिहड़े है ना वो जवाल पजीर हो रही है। वो उस वक्त दे विच ही दो तीन गल्लां ने जी उदों ते दुनिया भी भोली भाली सी एडी चलाक नहीं सी हुण मीडिया का दौर आ गया फास्ट हो गया लोग समझ गए। दूसरा ये कि वो लोग जेडे वो भी मुसफा सन लिखण वाले भी वह भी अच्छा लिखते होंगे सी और जो राइटर आता सी ना साडे वेखण दे विच लिखण कहानी लिखण ले आता सी ते सब तो पहला उहदे ते सवाल हुंदा सी जी तुसीं आवाम नूं मैसेज की दे रहे हो। वो कहता सी जी मेरा मैसेज है जैसा करोगे वैसा भरोगे फिर उन्होंने कहना जी कहानी शुरू करो सुनाओ हूँ कोई मैसेज वाली गल ही नहीं रही जो भी देगी मार तराई कर कराया कि लोगों मेरा मतलब परेशान कर दिता है लोग अकताए ने इन्ना एक्शन कर रहा है कि जिदे आके किसी को समझ ही नहीं आती कि बंदा कतल करना जोड़ा तो गाजर मूली बनाता है जी। ये इस वास्ते जी बड़े बड़े जोड़े लोग होए ने जिन्होंने बड़े ना ने उन्होंने आप तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने अपना नाम भी कमाया लेकिन उन्होंने सब तो ज़्यादा जोड़ी ज्यादती की है उन्होंने अपने थान को बूटा नहीं लाया कोई काबल बंदा नहीं अगे लिया जेड़ा कि इस परवान चढ़ाए इसलिए दिन ब दिन ये काम जोड़ा डाउन हों जा रहा। गुजरांवाला शहर जी माशाला बहुत जीदारा भलवाना का शहर है इतने माशाला कारोबार मेहनती लोग जोड़े ने वह मेहनत करते ने खाते ने लेकिन गुजरांवाले का एक ही है कि इतों की जी हैगी गुफ्तगु गलबात बड़ी अखड़ हैगी है। मैं ये कहंगा कि नरमी दे नाल पेश आउण ते गुजरांवाले दा जवाब ही कोई नहीं बहुत अच्छा शहर है मेहनती है और इत्थे दे लोक जिहड़े ने बहुत मेहनती ते मजदूरी करके ते अपना बाल बच्चे दा पेट पालदे ने। आउयां ते तकरीबन तुसीं हिसाब ला लो जी 65 तों लग के हुण तक किन्ने साल हो गए ने तकरीबन 57 साल हो गए ने लेकिन आना जाना जिहड़ा हैगा वह मुस्तकिल मैं नहीं रखिया क्योंकि बाल बच्चा सी इस वास्ते उन्हां दा भी पेट पालन लई मजदूरी करता सां इस वास्ते गुजरांवाले मेहनत करता सां मैं आंदा सां और 8 दिन 15 दिन बाद मैं स्टूडियो जांदा हुंदा सां क्योंकि हर वक्त दे विच सोच वाली नाली च ते आटा ही फसिया रहा तो इस वास्ते वो की करना सी वो जो कितें वेल लगता ही फर्क हुंदा सी उदों मैं लौट जांदा। चैनल GFPP का बहुत मशहूर हाँ जिन्ह ने यह मैनू मौका दिता
कि मैं भी अपनी दिल की आवाज़ उठावा। मैं बहुत बहुत उन्हों का मशहूर हाँ, शुक्रिया अदा करना वा।